भाई लोकी सीरीज का एपिसोड 6 जो है वो फाइनली रिलीज हो चुका है और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है। और मैं बता रहा हूँ, मार्वल का पूरा फेज 4 फेज 5 जो कि अभी देखा भी नहीं है सही से, वो पूरा एक तरफ और लोकी का एपिसोड 6 एक तरफ। अगर आपको ये स्टेटमेंट थोड़ी सी भी ओवररेटेड लग रही है तो मेरे भाई आप गांजा फूंक के बैठे हो। लोकी का एपिसोड 6 इतना वेल रिटन है कि आप इसके अंदर बिल्कुल खो जाते हो। खैर, इस वीडियो में हम लोकी के एपिसोड 6 के बारे में बात करेंगे और एमसीयू के फ्यूचर में लोकी की कुछ थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम टू एमवी एक्सप्लेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एपिसोड 6 वहीं से शुरू होता है जहां पर लोकी अपनी टाइम स्लिप को कंट्रोल करना सीख जाता है। देन वो उसी टाइम में जाते हैं जहां पर विक्टर टाइमली टेंपोरल लूम को ठीक करने के लिए जा रहा होता है और उसके स्पेगेटी बन जाती है। पर यहां पर लोकी मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल तरीके से इस चीज को ट्राई करता है बट कोई भी आउटकम करेक्ट नहीं निकलता। और इसी बीच लोकी टाइम स्लिप करके हजारों सालों की नॉलेज को इकट्ठा करता है जो कि ओबी और ही रिमेंस को भी सरपास कर जाती है। देन इतनी ज्यादा जिद्दोजहद करने के बाद फाइनली विक्टर टाइमली लूम को बड़ा कर देता है। बट यहीं से ही तो चीजें बिगड़ना शुरू होती हैं क्योंकि बाद में हमें पता लगता है कि आप लूम को कितना भी बड़ा कर दो पर टाइमलाइंस इनफाइनाइट है, मतलब हर सेकंड में ना सैकड़ों टाइमलाइंस बन रही हैं। तो लूम जितना भी बड़ा कर दो वो कभी भी टाइमलाइंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगी। और फिर लोकी के पास कोई और रास्ता नहीं होता, उसको जाना पड़ता है ही रिमेंस के पास जहां पर सिल्वी उसको मारने वाली होती है। और एज एक्सपेक्टेड ये सारा लूम किसी और ने नहीं बल्कि विक्टर टाइमली ने खुद ही क्रिएट किया था। और वो हरामी तुम समझ रहे थे ना ऐसे ही मर गया बिल्कुल कुछ किए बिना, नहीं भाई उसको सब पता था कि लोकी दोबारा उसके पास आएगा बट लोकी उसका बाप है वो जानता नहीं था ये बात। तो ही रिमेंस ने लोकी के सामने दो चॉइस रखी, प्यार या मल्टीवर्स। और यहाँ पर लोकी बड़ी बुरी तरीके से फंस जाता है और फिर वक्त में पीछे भी जाता है वो मोबियस से बात करने के लिए कि इस फैसले को वो कैसे ले। तो तुम्हें याद हो तो मैंने बताई थी कि दो चॉइस रखी थी, प्यार और मल्टीवर्स, बट लोकी इसके अंदर एक तीसरी चॉइस भी ऐड कर देता है, वो है सेल्फ सैक्रिफाइस। तो लोकी अपने प्यार और मल्टीवर्स को चुनकर अपने आप को सैक्रिफाइस करने का चूज करता है। और फिर एग्जैक्ट उसी टाइम में जाता है जहां पर विक्टर टाइमली टेंपोरल लूम को ठीक करने जा रहा होता है। तो उस टाइम में जाके लोकी खुद बिना सूट के टेंपोरल लूम की तरफ जाने लगता है और क्योंकि लोकी ने टाइम स्लिप सीख लिया, टाइम को रोकना सीख लिया और टाइम को रिवर्स करना भी सीख लिया है तो उसकी स्पेगेटी नहीं बनती। और यहीं पर देखने को मिलता है हमें एक ऐसा शॉट, इतना खूबसूरत शॉट कि आप उसको बार बार देखोगे जहां पर लोकी ट्रांसफॉर्म होता है अपने आइडियल लुक में। और ये लुक सीधा सीधा कॉमिक से उठाया गया है बट लाइव एक्शन में कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है। हाँ, तो हम कहां थे, विक्टर टाइमली की जगह लोकी खुद टेंपोरल लूम की तरफ जाने लगता है और टेंपोरल लूम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और शाखाएं मरने लगती हैं। और फिर लोकी वन बाय वन सारी शाखाओं को टच करके उनको रिवाइव करता है और जो काम पहले टेंपोरल लूम कर रहा था अब वो लोकी खुद करता है। पर अब क्योंकि लोकी ने खुद ही सारी की सारी शाखाओं को अपने हाथों में पकड़ रखा है तो नई शाखाएं नहीं बन सकती जब तक लोकी अपनी सीट पर बैठा है और उसने टाइमलाइंस को पकड़ रखा है। और भाई ये सीन बहुत ही क्रेजी था। और नेक्स्ट ही हमें कितना खूबसूरत शॉट दिखाया जाता है एक ट्री का जो कि लोकी ने बनाया है सारे टाइमलाइंस को पकड़ के, एक बहुत ही खूबसूरत ट्री। अब तुम लोकी के फीट चेक कर रहे हो, वो इन्फिनिटी वॉर का थॉर वाला सीन याद है जब थॉर स्टॉर्म ब्रेकर बनाने के लिए पूरे स्टार की पावर्स को अपने ऊपर लेता है, तो भाई ये उससे भी हैवी जा रहा है। कुल मिला के एपिसोड 6 बहुत ही क्रेजी था यार, बहुत ही पसंद आया। और कल से तो मेरा जग सुना सुना हो जाएगा क्योंकि हर हफ्ते लोकी का इंतजार होता था तो कुछ एक्साइटमेंट बनी रहती थी। बट क्योंकि स्ट्राइक एंड हो चुकी है और डेडपुल की शूटिंग है वो दोबारा स्टार्ट होने का हो रहा है तो डेडपुल 3 हमें पॉसिबली अपने टाइम पर देखने को मिल जाए, कुछ कंफर्म नहीं है बट पॉसिबली शायद हमें देखने को मिल जाए। और बात करें फ्यूचर की तो भाई पूरी की पूरी टाइमलाइंस को छेड़ा गया है तो मे बी एमसीयू का फ्यूचर भी चेंज हो जाए और एक नया मल्टीवर्स क्रिएट हो, नए सुपर हीरो, नई शक्लें। और एक तो मार्वल की दिल की मुराद पूरी हो गई क्योंकि जोनाथन मेजर जो कैंग द कॉन्करर का रोल प्ले कर रहे हैं उनके ऊपर केस चल रहा है, इस वजह से मार्वल ये सोच रहा था कि उनको रीकास्ट किस तरीके से किया जाए। तरीके से लोकी का सीजन एंड हुआ है ना तो वो आराम से कैंग वाले फंडे को यहाँ से निकाल के फेंक सकते हैं, काफी बेवकूफी वाला कदम होगा बट उन्होंने इस तरीके से सेट किया है तो मे बी वो कुछ भी कर सकते हैं और आगे डॉक्टर डूम को विलन बना दे कैंग डायनेस्टी का। बस नाम तो कैंग डायनेस्टी है तो डॉक्टर डूम को विलन, अरे मैं भी कुछ भी बोलता हूँ यार। खैर इस वीडियो में इतना ही, अगर मैंने रिकॉर्डिंग बननी की तो मैं बोलता ही रहूंगा। आपको लोकी का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। टिल देन टेक केयर।